इस मुल्क में 30 सालों में 40% जो है वो, यानी ये 30 सालों में पहली दफा इतनी बड़ी महंगाई हुई है। अगर आप अमेरिका की बात करें तो आप उनको देखेंगे, उनको वहां पर कितनी महंगाई हुई है। यूरोप में बात करें तो वहां पर कितनी महंगाई हुई है। ये कोरोना की वजह से, प्रोडक्शन की वजह से, ये आलमी मार्केट में जो ऑयल है उसमें इजाफे की वजह से। सुन रहे हैं ना, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन ये पाकिस्तान में आई एम वेरी सॉरी कि जो सवाल, देखिए पीक टाइम है 8 o'clock और 9 o'clock, आपने इन लोगों को स्पेस देते हैं, पीटीआई वालों को भी और नून लीग वालों को भी, और ये हुकूमत को मिसलीड करते हैं। ना ही पीटीआई अपनी हुकूमत को डिफेंड कर सकती है, और ना ही अभी आप देखें ये क्या जवाब है कि हम सियासी लोग इसलिए मिल रहे हैं और हम नालायक के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। नालायक के खिलाफ इकट्ठे हो गए तो आपने कौन सी लायकी दिखाई आपने गुज़श्ता कई सालों में? नहीं, ये नवाज शरीफ के दौर में काम होते थे शिराज साहब, खाता भी था और खिलाता भी था। अब ये अभी 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 खाते अभी सिर्फ खाते हैं, खिलाते नहीं है। अभी भी बहाल वही है। हम पाकिस्तान में बैठे हैं, रिश्वत का बाजार अभी भी गर्म है। नहीं, रिश्वत वो तो चलो खिला देते थे, ये खिलाते ही नहीं है। आप मुझे ये जो बैठे हुए अब पीटीआई, ये जो मुस्लिम लीग के, या आपने महमूदुल्लाह साहब को लिया था जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, इन पर अल्फिया दे कि इमरान खान खुद रिश्वत लेता है। अब ये माशरा ऐसा है कि रेड़े वाला, चिमकी वाला, रखे वाला, जिसको आपको क्या पता, आपको शिराज साहब लंदन में बैठे क्या पता रिश्वत वो नहीं लेता। या तुम किसी ये पार्टी को रिप्रेजेंट करता है? ये पार्टी का नहीं हूँ, मैं पार्टी का नहीं हूँ। आपको आईना दिखा रहा हूँ कि आपका मीडिया, मैंने सबको मैं कहता हूँ, आपका जर खरीद मीडिया जो है, जो बड़े चैनल है, ये महंगाई का यूके के हवाले से, हमारे से शिराज बड़ा चैनल है ही किसी का नहीं। बड़े चैनल कौन से होते हैं? रोज टीवी के तुम जर खरीद गुलाम हो, तो मुझे कह रहे हो जी, मैं अच्छा चलो शिराज साहब को भी थोड़ा सा वक्त लेते हैं। इमरान खान के पेरोल पर या आते की इमरान खान के कहने पर मैं अपनी राय बदलूंगा। मैंने अपनी कब्र क़ब्र में जाना है। मेरी लॉयल्टी पाकिस्तान से है। अगर इमरान खान को अच्छा काम करेगा तो उसको अप्रिशिएट करूंगा, अगर नवाज शरीफ करेगा तो अच्छा उसको अप्रिशिएट करूंगा। और पहले सबसे पहले बात तो यह है कि इतनी लंबी तकरीर कर रहे हो, तुम ऐसे करो कि रिजाइन